धोखा धड़ी करके बड़ी किस्मत ने चाल चली है। ओ इधर उधर देखो जिधर लालच की खिचड़ी पकी है। ओ अब्बा की 300 मरला जमीन, बेशुमार दुकानें और ये इतनी बड़ी हवेली, ये सब किसके बीच में बटेगी? आप लोग बाय बाय कर ले, अब नहीं बचने वाले। इधर उधर देखो जिधर लाल, बार बार तुम यहाँ हमें झूठी तसल्लियाँ देती और मेरे अब्बा को कुछ नहीं हुआ अभी तक। अब्बा की आखिरी सांसें चल रही है। ना कर। इस कैरेक्टर का नाम है सुकरात और ये बचपन से, ये जो नवाब साहब है, नवाब साहब के साथ बचपन से ये मौजूद है और अब ऐसा हो चुका है कि ये रहता ही इन्हीं के साथ है और जो इनके अपने असली बेटे हैं तो काइंड ऑफ उससे थोड़ा सा इनसिक्योर भी होते हैं और वो लगे हुए हैं किसी और चीज़ के पीछे। ये भी है किसी चीज़ के ताकुब में, लेकिन ये किसी और तरीके से सोचता है। कॉमेडी कैरेक्टर है। इस स्क्रिप्ट की अच्छी बात यह है कि लिखा हुआ बहुत अच्छा है। फैसल शिराजी ने लाइन्स इतनी मज़े की लिखी हैं, सिचुएशन इतनी मज़े की लिखी हैं कि वो आप ना अगर सिंपल भी परफॉर्म कर देते हैं तो भी आपको हंसी आएगी, आप इंटरटेन होंगे, आपको मज़ा आएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कैरेक्टर। इट्स बेसिकली ये एक नवाब फैमिली है और मैं छोटा बेटा हूँ एंड आई वांट टू बिकम एन एक्टर। तो मैं हर वक्त एक्टिंग करता रहता हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, ऑलवेज इन हाई एनर्जी। बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, ऑडियंस बहुत व्यूज बहुत इंजॉय करेंगे और एक ईद की ट्रीट होती है ना, ये टेलीफिल्म उन सब के लिए ईद की ट्रीट है। हम एज एन एक्टर बहुत हंसते रहे हैं जब ड्यूरिंग लाइक यू नो शूटिंग हम लोग ने की और आई एम श्योर के पब्लिक भी उसको बहुत इंजॉय करेगी, व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा। सो माई कैरेक्टर इज़ अबाउट दिस वुमन हु इज़ वेरी ग्रीडी। नॉट जस्ट माई कैरेक्टर, जो मेरे हस्बैंड हैं जो यासर नवाज़ प्ले कर रहे हैं, वो मैं और असवर रहमान जो देवर का कैरेक्टर कर रहे हैं, हम सारे ही बड़े लालची किस्म के लोग होते हैं और हमारी ख्वाहिश होती है कि एक मकसद है जो हम पूरा करना चाहते हैं और वो मकसद मैं रिवील नहीं करना चाहूँगी। मुकर्रम अली इस कैरेक्टर का नाम है और बड़ा मज़ेदार है और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। काफ़ी अरसे के बाद एक कॉमेडी करने का फिर दोबारा मुझे मौका मिला। अरे शेख साहब के साथ तो खैर मैंने बहुत काम किया है, उन्होंने मेरी मूवीज़ में काम किया है, हम प्लेज में काम किया है, सना के साथ भी काम कर चुका हूँ, नौशीन के साथ भी एक लास्ट सीरियल किया था बिखरे मोती, उसमें भी किया है, असवर के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ और अली रिजवी जो है उसके साथ भी पहली बार काम कर रहा हूँ। तो टीम कास्ट अच्छी है, अगर सब प्रोफेशनल हो ना जब तो फिर मज़ा भी आता है और आपका शूटिंग टाइम किस तरह गुजर जाता आपको पता भी नहीं चलता। मैं सना फकर के साथ पहले भी दो तीन प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद हर। यू नो हर कॉमेडी टाइमिंग एंड एनर्जी एंड वो इतनी ऑफसेट भी जब व्हाइल वी आर नॉट शूटिंग, शी सो फनी, उनकी कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी, इज़ गॉट अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। तो मुझे बहुत मज़ा आया एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद जावेद शेख साहब, ही इज़ सच अ लेजेंड एंड इट्स सो गुड टू वर्क विद हिम ऑलवेज। दो तीन दिन के लिए एक नर्स रख लें, नवाब साहब के बारे में बर वक्त इतला देती रहेगी। अबे मैंने कितनी दफा कहा है कि मुझे नर्स की जरूरत नहीं है। मगर शौक ये आगे नवाब साहब, दिल आपका हुआ। बड़े भैया बड़े भैया, मेरे साथ सना है, फिर नौशीन शाह है, फिर यासिर नवाज है। पहली दफा यानी कि यासिर को मैंने तो उसकी फिल्मों में हमेशा काम किया मगर इस दफ़ा वो मेरा को एक्टर है और मेरे साथ काम कर रहा है। जावेद अंकल इज समवन हु इज लाइक ही इज हिलेरियस। यासिर के साथ पहले काम किया है, असवर इज़ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। सना के साथ भी मैंने ये सेकंड प्रोजेक्ट है जो कर रही हूँ। सो ओवरऑल पूरी कास्ट जो है वो बहुत अच्छी है। Director is a very dear friend of mine. बकरीद पे तो सिर्फ इंतज़ार होता है कि कब टिक्का बनेगा, कब लोग खाएंगे। I would like to have biryani and I would like to have some meetha. Yeah.
बकरीद पर चूंकि कुर्बानी होती है तो कुर्बानी करें, लेकिन जहाँ जहाँ कुर्बान होना है वहाँ हो जाएं। कोशिश करें कोई छोटी सी ऐसी चीज़ करें कि जिसके लिए आप किसी के लिए खुशी का बाइस बने या किसी के लिए स्माइल का बाइस बने। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, इट्स एक्सट्रीमली अनप्रडिक्टेबल। बहुत लंबे प्लान्स ना बनाएं, लिव इन द मोमेंट और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू गॉड एंड फैमिली। दैट्स इट, दैट्स ऑल। मेरी अपने फैंस से और देखने वालों से यही इल्तिजा होगी कि इस ईद पर भी आप अपने राइट और लेफ्ट देखें कि किसको आपकी ज़रूरत है, और ये अजर आपको अल्लाह ताला इसका बहुत बड़ा देगा। कैसी ना हिंजार है मेरी औलाद, जिंदा बाप के तदवीन का बंदोबस्त कर रही है। मैं बनूंगा इस हवेली का मालिक। हाँ? हवेली के कागजात तो बना लिए ना आपने? मुबारक हो, मुबारक हो। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बा को कुछ नहीं हुआ, अब्बा जिंदा है। मैं तो खुशखबरी देने आया था कि नर्स का इंतजाम हो गया, वो आने वाली है। आपकी हवेली का मंजर बहुत खूबसूरत है। बस दुआ कीजिए हवेली और जायदाद मेरे नाम हो जाए। अब्बा को किसी तरह राजी कर दो कि वो मेरी जायदाद का हिस्सा मेरे नाम कर दे ताकि हम शादी कर लें। अब देखना मैं नवाब साहब से तुम्हें तुम्हारा हिस्सा कैसे दिलवाती हूँ। तुम्हें पूछना आए थे या ये देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या नहीं? जीने पे है नौटंकी तो मर जीने का नाम है, बस इतना साइन कर दे। कल से तुम मेरे अंदर एक नई तब्दीली देखोगी।